1, 2, 3, and इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. Zakaria Goat Farm पर हूँ, मीरा रोड में, अखिल भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम अखिल भाई। अखिल भाई, बीटल बकरे निकाले, लाजवाब है ये भी, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जी। ये जेट ब्लैक है दोनों। पूरे दांत पे है दोनों जी? दोनों पूरे दांत। और तकरीबन आपके हिसाब से कितने किलो पे हो गए ये? मौलाना जो बकरा पकड़ा है वो मेरे हिसाब से 120-125 किलो जी, फर्स्ट वाला 120 पार ही है। यहाँ पर फिलहाल वी डोंट हैव अ वेट मशीन, सो आई कैन नॉट वेरीफाई क्या है, बट इनके पास मशीन आ जाएगी जब तक कि वीडियो अपलोड होगी, सो ही विल सर्टेनली लेट यू नो क्या है जी, इसको खरीदना है जी। ठीक है, मैं लाइव दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं लाइव दिखा सकता हूँ। और ये जो है ये 100 पार है? ये 100 पार, 115-110 के आसपास है। अच्छा अखिल भाई, मैंने अभी हमारे मुबारक भाई है, खिलजी मीरा रोड की रहते हैं जी जी जी, तो वो गए थे यहाँ पे मलेरकोटला और पंजाब वगैरह गए थे, बीटल बकरों की शॉपिंग वॉपिंग की उन्होंने। तो उन्होंने जो बीटल बकरे पालते हैं ना बहुत समय से जी जी, उनसे पूछा कि भाई असली बीटल की पहचान क्या है। उन्होंने कहा पीली आइस, नॉट वाइट आइस। बोले ये तो क्रॉस करके निकाल दिया। हाँ, ये क्रॉस है, है ना, क्रॉस है ये। जैसे सोजत में वाइट आइस आई, कहाँ से आई? हैदराबाद से आई, क्रॉस है ये। तो जो प्योर बीटल नस्ल है वो है, और एक प्योर जो नस्ल है वो रिंग भी है, रिंग सिर्फ रिंग वाइट होती है। आइस की रिंग सिर्फ वाइट होती है। ओके ओके, आजकल फहद भाई हर जगह मिक्स ब्रीड आने लगी है, बट ये इन अ वे गुड ही हुआ ना, क्योंकि मिक्स करके जैसे कोटा में कितनी मिक्सचर हो गई, मिक्सचर हो गई है, लो मिक्सचर होके ही ब्यूटी बढ़ गई, ब्यूटी बढ़ गई, ब्यूटी बढ़ गई। कोई भी जानवर जो ब्यूटी वाला है ना वो क्रॉस से ही हुआ है, है ना जी। इनमें क्या खास बात लगी आपको? ये आपने कोई पर्टिकुलर रीजन से लेके आए होंगे ना? जी जी जी, काले बकरे क्या ये ब्लैक, जेड ब्लैक जो है वो ब्लैक ब्लैक होता है, ब्लैक ब्लैक है, पब्लिक पब्लिक ब्लैक के शौकीन होते हैं बहुत, क्योंकि ब्लैक कुछ अलग ही दिखते हैं। और ये बीटल एक्चुअली वजन पे खड़ा करो तो कांटे पे इट्स वेरी डिफरेंट, वो हमारा अंदाज कुछ और होता है, उससे कुछ आगे ही निकलता है बीटल जी, क्योंकि बीटल का वजन छुपा हुआ रहता है। अखिल भाई, आपने ये भी कहा, बिकॉज पता है ये एक ऐसा फार्म है, मैं अभी इतने फार्म पे गया हूँ, हम सुबह शुरू करते हैं 7-8 बजे, रात को वाइंड अप करते हैं 7-8 बजे, टोटल वीडियो बनती है 10 जी, खसी हो अंडू लो, क्योंकि वेदर इतना खराब होता है ना, तो फोन काम करता है एक्सेसिव हीटिंग में। यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई सुकून है, सुकून, यानी हम कुछ 2-3 घंटे में हमने कुछ 5 वीडियो बना दी जी, बिल्कुल। और अभी भी ऐसे नहीं कि भाई पसीने से लथपथ हो गए, नहीं नहीं, यहाँ इट इज प्लेजेंट, इंसानों को प्लेजेंट है, तो आई एम श्योर बकरे भी कंफर्टेबली ही रहे, कंफर्टेबल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक टॉपिक छेड़े थे कि भाई वेंटिलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमारे फार्म के वेंटिलेशन के बारे में बताएंगे हम लोग जी, बिल्कुल। हमारे वेंटिलेशन जी बिल्कुल दिखा सकते हो कि मेरा फार्म जो है, मेरा जो बकरे का जो रात में बंद करने का या दिन में बंद करने का बाड़ा चारों तरफ से खुला है। और ये एक बात आपको सवा वालों गोट फार्म वालों ने बताई थी कि बकरों का जैसे इंसान ठंडी ख्याल रखते हैं वैसे बकरों का रखा जाता है, कि उनको ठंडी का भी ख्याल रखना है, गर्मी का भी ख्याल रखना है, बारिश का भी ख्याल रखना है। हाँ, जैसे हम रात में जब हम सोते हैं, अगर पंखे के नीचे सोए तो रात में तुम 9 बजे अगर सो रहे तो तुम 2 बजे तक कुछ भी नहीं,
और 2 बजे के बाद तुम चद्दर ओढ़ना पसंद करोगे। अभी यहाँ पे देख लो, हालांकि हर जगह से वहाँ से खुला है, सामने से खुला है जी, लेफ्ट से खुला है और ऊपर से भी खुला ही है जी बिल्कुल। और उसके बावजूद आपने नहीं नहीं बोल के आई थिंक 3 पंखे तो यही पंखे इसलिए लगाया होगा। एक एग्जांपल ये है कि एक रूम में एक आदमी सोवे और एक रूम में 10 आदमी सोवे, एक आदमी सोने वाले को उतनी गर्मी या उतनी वो बदबू नहीं आएगी। जब 10 आदमी जब सोएंगे, अगर पंखा बंद रहेगा तो पूरे लथपथ हो जाएंगे पसीने से। ओके। क्योंकि जानवर की आपस की जो गर्मी होती है फात भाई, वो बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। ओके। जी ये वही आपने बोल दिया, व्हेन यू ट्रैवल इन अ ट्रेन, आप ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो जितने ज्यादा लोग होते हैं कंपार्टमेंट में तो एसी उतना कम काम आपको लगता है। तो वैसे जितने ज्यादा बकरे उतने ज्यादा वेंटिलेशन जरूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर का जो गर्माहट है वो बाहर निकालने के लिए पंखा की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत से मरतबा मैंने बीटल में देखा हूँ, बीटल में क्या हो रहा है आजकल? इनमें तो खैर नहीं है, थोड़ा चलाओगे कैंची आती है। वो कैंची इसलिए आती है कि कोई चीज की कमी हो जाती है बीटलों में। एक तो पंजाब की जमीनों में सेलेनियम कम है, सेलेनियम कम है जो मिनरल के अंदर सेलेनियम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो सेलेनियम कम है पंजाब की जमीनों में। तुम पंजाब के कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे जो बिकते हैं उनमें मिनरल में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होती है। ओके। हाँ, कोई भी आप प्रोडक्ट में वहाँ से लेके आके छोड़ोगे, बस लोगों को बता दूं कि चलने फिरने में इनमें है कैसी जी? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उसमें, तो खैर नहीं लग रही है मुझे। नहीं है इतना तो, यानी इतने हैवी बकरे में तो अंडरस्टूड तो थोड़ा थोड़ा हल्का बहुत तो है, लेकिन फिर भी वो ऐसी चिटक जाते हैं वो नहीं जी नहीं है तो प्रीटी ओके। बीटल वैसे आपने कितने में बेचे हो लास्ट ईयर? लास्ट ईयर में मैंने बहुत कम में बेचा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में मेरी खरीद भी इतनी कम में थी। 135 kg, 145 kg, 130 kg, 120 kg के बीटल। आपने इतने बड़े बड़े बीटल बेचे? हाँ, मेरा जकरिया गोल्ड फार्म का एक वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख सकते हो। अच्छा, तो उसमें ये 130 kg के हैं? 135, 145 कराया था मशीन पे? हाँ जी, मेरे पास उस टाइम मशीन थी मेरे। ओके। और वो आपने क्या रेट में बेचा था? वो मैंने बहुत कम भाव में बोले, तो अभी पब्लिक को ये बोलूंगा तो पब्लिक बोलेगी इस बार इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा? जो लेने वाले जो लेके गए उनको मालूम है कि हम लोग ने कितने सस्ते में। तो पब्लिक ये भी कहेगी कि भाई आपकी खरीदारी अगर महंगी है तो आप कस्टमर पे क्यों डाल रहे हो फिर? आपको तो कस्टमर के इसलिए डाल रहा हूँ, एक्चुअल जो रेट है वो ज्यादा ही है, मगर उस टाइम पे मैं हमें मेरा एक रूल है फाद भाई कि मुझे जितना कम में मिले उतना पब्लिक को कम में दूं मैं, यानी मेरा मुनाफा कम चढ़ा के दूं। अगर बेसिकली एक जानवर एक है कि 5 रुपए की चीज अगर मुझे 5 रुपए में मैं लाया, अगर उसके मुझे 7 रुपए नहीं मिले जी, तो फिर मतलब क्या मेरा? क्योंकि फार्मर तो हर तरह का रिस्क लेता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे अल्लाह का शुक्र है कि वो फार्म वो चीज़ मेरे फार्म पे नहीं, बाकी कई वो फार्म के में ऐसा है कि उनके अंदर मरण है, मोर्टेलिटी बहुत है, तो उनका नुकसान कहाँ जाएगा? और तुम फार्म के बकरे का लेने की वजह यह है कि वैक्सीनेशन होता है, घर ले जाओ या कहीं पर भी ले जाओ, तो वो जानवर बीमार होना, बकरी में तुम देखो डॉक्टर की लाइन लग जाती है, वेटनरी वालों की हर जगह तुम देखो वेटनरी वाले की लाइन लग जाती है। लेकिन इतना बड़ा अगर कोई बकरा लेके भी जाता है, कोई अपने घर पे 7 दिन पहले लेके जाते हैं, वजन तोड़ देते हैं ना? वजन तोड़ देते हैं, ये क्या है, बकरा अगर तुम ये रूम से अगर वो रूम भी ट्रांसफर करते हो ना, तो बकरा वजन तोड़ना ही तोड़ना है। तो ये साइज के बकरे को क्या समय उचित है लेके जाना? 3-4 दिन पहले? नहीं, 6-7 दिन पहले भी लेके जाओ, मगर मेरे वहाँ से कोई भी ले जाएगा मेरा फीड में दूंगा जो मैं इनको खिलाता हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी बताते हो क्या क्या खिला? नहीं, मैं यहाँ से दूंगा वो बकरे के साथ, मैं दूंगा, क्योंकि वो बकरा वेट ना तोड़े और वो बकरा बीमार ना हो। इंटरेस्टिंग। तो आप बकरे के साथ फीड भी देते हो जितने दिन लेके जा रहे हो? अगर बकरी के पहले अगर उसको घर ले जाना है 10-15 दिन पहले तो मेरे वहाँ से फीड लेके जावे जो मैं खिलाता हूँ उनको। वेरी गुड। क्योंकि वो लेके आकर घर पे ले जाके क्या होता है, कभी जौ खिला दिया, कभी गेहूँ खिला दिया, उनका डाइजेशन खराब, बकरा बीमार हो जाता है। अल्लाह ना बकरा चले जाता है तो पूरी बिल्डिंग वाले कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। उससे अच्छा की मेरा फीड मैं जो खिलाया हूँ वो लेके जाओ, आप वो खिलाओ। चलिए, वंस अगेन ये है बीटल बकरे, परफेक्ट कंडीशन में। एक की तो सिंग पूरी है, दूसरी की मेरे ख्याल से थोड़ी घुस रही थी अंदर, तो आपने शायद बनाया? हाँ जी, बनाया है, मगर दोनों सेम ही है। दोनों सेम ही है। दोनों पूरे दांत के हैं। 41 हाइट होगी इनकी कि ज्यादा नहीं? ज्यादा है, 42 43 की हाइट है।
अप्रॉक्सीमेटली 120 10 ये कह रहे हैं, ये आपको करा के दे देंगे। जिस किसी को भी लेना है, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, स्क्रीन पर भी फ्लैश कर दूंगा अखिल भाई का नंबर। यहाँ पर आना है पर्सनली तो अखिल भाई, वो क्या होटल का नाम है? दिल्ली दरबार होटल, दिल्ली दरबार इन। दिल्ली दरबार इन है, उसके बगल में एक कुम्भार है। हाँ कुमार है, वो कुमार के बगल वाली गली में ऊपर चले जाए, पूरा रोड है, वो रोड ऊपर सीधा मेरे फार्म तक आता है। ओके फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच।